हेलो एवरीवन। तो हम लोग बात करते हैं कि नीट नीट के बारे में, ठीक है? क्योंकि 5 मई को तुम्हारा नीट, और हमारे पास अब टाइम बहुत कम है, ठीक है? मार्च, अप्रैल और इधर तुम्हारा 10 दिन बचा। तो अभी बहुत सारा वीडियो आएगा, सब लोग अपलोड करेगा कि हाँ कैसे क्रैक करे 2 मंथ में, 2.5 मंथ में, 1 मंथ में कैसे नीट क्रैक करे, ठीक है? क्या स्ट्रैटेजी बनाए, और अपना अपने अपने हिसाब से सब लोग स्ट्रैटेजी बना के तुमको देंगे। लेकिन मतलब तुम लोग, मतलब तुमको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर तो तुम जाके ये YT पे सर्च करते हो कि हाउ टू क्रैक नीट इन 2 मंथ, ठीक है? तो जब नहीं है और तुमको वीडियो देखने से क्या वो आ जाएगा कॉन्फिडेंस कि हाँ कोई टीचर्स वीडियो बना दिया कि हाँ 2 मंथ में नीट कैसे क्रैक करे, तो तुम तुरंत क्रैक कर लोगे क्या? नहीं। तो वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर खुद में आएगा, और तुमको खुद को पता होना चाहिए कि हाँ मैं 2 मंथ में कर सकता हूँ, या 3 मंथ में कर सकता हूँ, या कितने मंथ में कर सकता हूँ, ठीक है? कुछ बच्चा अब ये भी सोचेगा कि अरे 2 मंथ में अब क्या होगा, छोड़ो अब तो नेक्स्ट ईयर सीधे पढ़ेंगे, नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे ये आराम से, ठीक है? तो ये सब दिमाग में मत लाओ, खुद में ये सपना बनाओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ कि नहीं। चलो होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन हाँ मैं अब अगर अभी से स्टार्ट करूँगा तो कम से कम तो 60-70% जाऊँगा। अगर लक तुम्हारा साथ दिया तो तुम्हारा नीट भी हो सकता है, सीट भी तुमको MBBS कॉलेज का कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो देखो हार नहीं मानना, फिर भी हमारे पास 2.5 महीना है, ठीक है? और चैप्टर तुम्हारा 80 चैप्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हाई वेटेज टॉपिक को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? कि कौन सा हाई वेटेज टॉपिक कहाँ से तुम्हारा ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर कुछ वैसा चैप्टर तुम्हारा छूट गया जिससे 1 क्वेश्चन आता है तो चलो कोई नहीं, उस मैनेज कर लेंगे, ठीक है? लेकिन जहाँ से तुम्हारा 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आ रहा है उसको हम लोग सबसे पहले करेंगे, ठीक है? क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, ठीक है? तो सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स निकाल लिए, बायो जूलॉजी में, बॉटनी में, फिजिक्स में, तुम्हारा केमिस्ट्री में, सब में निकाल लिए, ठीक है? अब ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा, सब 11th 12th कर रखा होगा। 11th 12th करे होगे तो कम से कम तो 40% तो आता होगा, ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं आता होगा, 40% तो आता होगा, ठीक है? तो अपना तुम एक टारगेट सेट कर लो कि हाँ जेनेटिक्स है मेरे में 4 दिन में ख़त्म होगा, ये मैं 4 दिन में पढ़ूंगा, ऐसे टारगेट ले लेके पढ़ाई करो, ठीक है? और ज़्यादा हाई फाई अब कुछ नहीं पढ़ना इधर उधर का, सिर्फ NCERT पे फोकस करो, ठीक है? बायो में NCERT पे अगर अभी से फोकस कर दोगे तुम्हारा 340 तो आराम से तुम्हारा आ जाएगा, 340+ ही आ जाएगा अगर NCERT की क्लाइन अगर अच्छे से कर लोगे बायो में। तो आज से स्टार्ट कर लो 11th 12th का, अपना एक टारगेट बना लो कि हाँ ये अगर मैं एक दिन में अगर 2 से 3 चैप्टर भी खत्म करूँगा तो बहुत है, ठीक है? तो एक और थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करो, 13-14-15 घंटा स्टार्ट कर दो पढ़ने के, ठीक है? तो बायो में NCERT हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, हर एक चैप्टर से एटलीस्ट 200 क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है? हर एक चैप्टर से, ठीक है? और कम से कम तो 6 से 7 साल का PYQ कर लेंगे, बायो में इतना कर लो और आराम से होगा। तुम 1 सप्ताह ये पढ़ के देखो, ठीक है? 1 सप्ताह का तुम शेड्यूल बनाओ, कितना चैप्टर्स हमको खत्म करना, और 1 सप्ताह एकदम मन लगाकर पढ़ो कि मतलब दिमाग में अगर आए भी कि टाइम नहीं है, क्या तुम पढ़ो, छोड़ो नेक्स्ट ईयर से पढ़ना, कुछ नहीं, 1 सप्ताह पढ़ के तुम देखो, तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 50% कॉन्फिडेंस तुमको आ जाएगा, लगेगा कि हाँ अगर मेहनत करेंगे तो इस बार हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है? तो बायो में इतना करो। फिर हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स में क्या करो कि 1 शॉट कोई लेक्चर देख लो कोई सर का, टीचर का 1 शॉट, ठीक है? क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कि बेसिस क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो NCERT का जितना भी तुम्हारे एग्जांपल्स एक्सरसाइज है वो सब कर लो एक बार, 1 शॉट क्लास देख लो, फॉर्मूला रट लो, और बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये तुम्हारा फिजिक्स का भी हो जाएगा, और PYQ कर लो, ठीक है? PYQ घुमा फिरा के वही चीज़ पूछता है, PYQ कर लो 10 साल का कम से कम। केमिस्ट्री में भी वही चीज़ है, ऑर्गेनिक के लिए GOC बेस्ड है, थोड़ा सा उसको अच्छे से डिटेल कर लो, अभी है टाइम, डिटेल कर लोगे तो 3-4 दिन टाइम लगेगा, हो जाएगा। और नेमिंग रिएक्शन ये सब थोड़ा सा रट लो, याद करो, नहीं होता है लिख के याद करो, ठीक है? और ऑर्गेनिक का भी NCERT का क्वेश्चन लगा लो, और 1 शॉट क्लास देख लो, और PYQ, और इनऑर्गेनिक में रट्टूफिकेशन, NCERT शॉर्ट नोट्स कहीं से मिलता है तो वो कर लो, NCERT का लेक्चर देख लो, ठीक है? ये बहुत सारा यूट्यूब पे तुम्हारा 1 शॉट है, इनऑर्गेनिक में भी वही कर लो, NCERT का क्लास देख लो, NCERT का शॉर्ट नोट्स मिल जाता है, बहुत अच्छा है, उससे पूरा रट लो, क्वेश्चन लगा लो 10 साल का PYQ से ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है? और तुम्हारा फिजिकल्स में भी वही करना है, 1 शॉट देख लो,
फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला का एक चार्ट मिल जाता है वो सही है, और फॉर्मूला रट के क्वेश्चन लगा लो 10 साल का पी वाई क्यू इतना कर लो, ठीक है। फिजिक्स में सेम फिजिकल जैसा वन शॉट देखो, फॉर्मूला रटो, फॉर्मूला का चार्ट बनाओ, फॉर्मूला बहुत सारे जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो, तो ये तुम्हारा एक अभी अभी के लिए स्ट्रैटेजी, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा ये नहीं बोलेंगे कि 720 में 720 तुम लेते आओगे, 690-680 लेते आओगे, लेकिन हाँ अगर कोशिश करोगे तो 620 तक 630 तक आराम से पहुंच सकते हो, इम्पॉसिबल नहीं है, 630 तक तो पहुंच सकते हो। 200 से 300 तो होगे, अगर 300 हो तो आराम से पहुंच सकते हो, ठीक है। ये कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत सारा बच्चा ऐसा किया है, ठीक है। तो अभी से क्या कौन यूट्यूब वाला टीचर्स बोल रहा है, क्या तुम्हारा दोस्त बोल रहा है, कितना मॉक टेस्ट में आ रहा है, कुछ नहीं, आँख बंद करके एक अच्छा गहरा सांस लो, खुद पे कॉन्फिडेंस लो, भगवान का नाम लो, सुबह शाम थोड़ा प्रे करो, जिससे पॉजिटिव एनर्जी आएगा, खुद पे बिलीव होगा, और अपना बस एक सप्ताह पढ़ के देखो, कम से कम 12 से 13, कुछ नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फ़ोन, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। एक टारगेट बना बना के पढ़ो कि इतना टाइम में, इतना 2 घंटा में हमको ये चैप्टर खत्म। एक प्रेशर होगा, तुमको नींद भी नहीं आएगा, प्रेशर होगा, मज़ा भी आएगा पढ़ने में, तो इतना करके देखो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, ठीक है। चलो बाय।